चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, ठेका श्रम के बारे में लगभग इतनी चीजें थी। नेक्स्ट हेडिंग होगा बाल श्रम, बाल श्रम निरोध अधिनियम 1986। बाल श्रम निरोध अधिनियम 1986। बाल श्रम निरोध अधिनियम 1986। ठीक, इसमें पॉइंट वाइज नोट करते चलेंगे। बाल श्रमिक के अंतर्गत, बाल श्रमिक के अंतर्गत चौदह वर्ष से कम, 14 वर्ष से कम के सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। चौदह वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। चौदह वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इस अधिनियम की धारा, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अनुसूचित खतरनाक क्षेत्रों में, इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित खतरनाक क्षेत्रों में, अधिसूचित खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है। इस अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत अधिसूचित खतरनाक क्षेत्रों में बाल श्रम पूर्णतः प्रतिबंधित है, जैसे पटाखा, सीमेंट, माचिस, चमड़ा, जैसे पटाखा, सीमेंट, माचिस, चमड़ा, ईंट भट्टे, ईंट भट्टे तथा खतरनाक रसायन, तथा खतरनाक रसायन संबंधी उद्योग, खतरनाक रसायन संबंधी उद्योग। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंदर, या इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे का अर्थ, इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चे का अर्थ किसी ऐसे व्यक्ति से है, किसी ऐसे व्यक्ति से है जिसने अपनी आयु का, जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है, जिसने अपनी आयु का 14वां वर्ष पूरा नहीं किया है।
नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम में दिन का अर्थ मध्य रात्रि से शुरू 24 घंटे की अवधि है। इस अधिनियम में दिन का अर्थ मध्य रात्रि से शुरू 24 घंटे की अवधि है। नेक्स्ट पॉइंट, सप्ताह का अर्थ 7 दिनों की ऐसी अवधि, सप्ताह का अर्थ 7 दिनों की ऐसी अवधि जो शनिवार की रात या शनिवार की अर्धरात्रि से जो शनिवार की अर्धरात्रि से शनिवार की अर्धरात्रि से प्रारंभ होगी। सप्ताह का अर्थ 7 दिनों की ऐसी अवधि से है जो शनिवार की अर्धरात्रि से प्रारंभ होगी, या इसी में कंटिन्यू है, या कोई ऐसी अन्य रात्रि जो निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित है, जो निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित है। नेक्स्ट पॉइंट है, 10 अक्टूबर 2006 से बच्चों को घरेलू नौकर तथा ढाबों आदि में कार्य करने पर प्रतिबंध है। घरेलू नौकर तथा ढाबों आदि में कार्य करने पर प्रतिबंध है। नेक्स्ट पॉइंट, इस कानून का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष की सजा और ₹50 का जुर्माना लगाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, बच्चों को बाल श्रमिक के रूप में कुछ गैर खतरनाक कार्यों में कार्य करने की स्वतंत्रता है जहां पर निम्न
प्रावधानों का पालन किया जाएगा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक, प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। प्रतिदिन 6 घंटे से अधिक कार्य नहीं लिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, प्रत्येक 3 घंटे के बाद, प्रत्येक 3 घंटे के बाद लघु अवकाश दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, रात्रि 7 बजे से सुबह 8 बजे तक, रात्रि 7 बजे से सुबह 8 बजे तक बच्चों से कार्य नहीं करवाया जाएगा। रात्रि 7 से लेकर सुबह 8 बजे तक बच्चों से कार्य नहीं करवाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सप्ताह में न्यूनतम 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। सप्ताह में न्यूनतम 1 दिन की छुट्टी दी जाएगी। उससे ज्यादा चाहें तो दे सकते हैं, पर कम से कम 1 दिन की छुट्टी वीक में दी जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है, केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बाल श्रम तकनीकी सलाहकार समिति गठित कर सकती है। तकनीकी सलाहकार समिति गठित कर सकती है। जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होंगे। जिसमें एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होंगे। एक अध्यक्ष और अधिकतम 10 सदस्य होंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे बाल श्रम निरोध अधिनियम के बारे में। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसको कब से लागू किया गया है या कुछ अपडेट्स हैं उसको कब से लागू किए गए हैं, वर्तमान में क्या प्रोविजंस हैं, इसके अलावा संविधान में क्या क्या प्रोविजंस हैं और इसमें पेनल्टी कितनी है, वो ये कुछ प्रमुख बिंदु है जिसको याद रखेंगे। उसके बाद में नेक्स्ट जो कानून है उसके बारे में नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रसूति लाभ अधिनियम, प्रसूति लाभ अधिनियम 1961। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961। प्रसूति लाभ अधिनियम 1961, 1961। ठीक, इसमें पॉइंट्स नोट करते चलेंगे। सबसे पहला है, किसी प्रतिष्ठान में या किसी उद्योग में, किसी प्रतिष्ठान में या किसी उद्योग में कार्यरत महिला
जो कि गर्भावस्था धारण करती है, गर्भावस्था धारण करती है के रोजगार की रक्षा करने, किसी प्रतिष्ठान में कार्य करने वाली कोई ऐसी महिला जो कि गर्भावस्था धारण करती है के रोजगार की रक्षा करने के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया गया, के उद्देश्य से यह अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, इस अधिनियम के दायरे में ऐसे सभी प्रतिष्ठान आते हैं जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, दस या उससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं अथवा पिछले 12 माह की अवधि में या पिछले 12 माह की अवधि से कार्यरत हैं, पिछले 12 माह की अवधि से कार्यरत हैं। ठीक, यहाँ पे 10 कर्मचारियों का होना एक क्राइटेरिया है, लेकिन इसके साथ एक ये भी क्राइटेरिया है कि अगर 10 से कम है लेकिन 1 साल से ज्यादा समय से कार्य कर रहे हैं, वहां पर भी ये एक्ट लागू होगा। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के कुछ प्रमुख प्रावधान। सबसे पहला है, महिला को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ दिया जाएगा, महिला को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ दिया जाएगा। इसको अंडरलाइन कीजिएगा, 12 सप्ताह, क्योंकि अभी ये अपडेट हो चुका है, पूछा जा सकता है पहले कितना था अभी कितना है। महिला को 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है, मातृत्व लाभ की गणना प्रसव तिथि से 6 सप्ताह पूर्व, प्रसव तिथि से 6 सप्ताह पूर्व एवं शिशु के जन्म के 6 सप्ताह बाद तक, शिशु के जन्म के 6 सप्ताह बाद तक किया जाएगा। मातृत्व लाभ की गणना प्रसव तिथि से 6 सप्ताह पूर्व एवं शिशु के जन्म के 6 सप्ताह बाद तक किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत कार्य से अनुपस्थित रहने पर भी महिला को उसके दैनिक वेतन के बराबर राशि का भुगतान किया जाएगा।
नेक्स्ट पॉइंट है, यह आवश्यक है कि महिला ने पिछले 12 माह में महिला ने पिछले 12 माह में 160 दिन की अवधि के लिए कार्य किया हो, इस बेनिफिट का क्लेम करने के लिए ये जरूरी है कि पिछले 1 साल में महिला ने कम से कम 160 दिन के लिए वहां पर काम किया हो। नेक्स्ट पॉइंट है, 1961 के अधिनियम में 1961 के अधिनियम में वर्ष 2017 में कुछ संशोधन किए गए, वर्ष 2017 में कुछ संशोधन किए गए जो 1 अप्रैल 2017 से लागू है, जो 1 अप्रैल 2017 से लागू है। ठीक, क्या क्या बेनिफिट है उसको नोट करते चलिएगा। सबसे पहला है, दो बच्चों के लिए जो 2017 में जो नए रूल्स आए हैं उसकी बात हो रही है। ठीक, पहला पॉइंट है, दो बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा, दो बच्चों के लिए मातृत्व लाभ की सुविधा 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह, 12 से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। ठीक, पहले दो बच्चों के लिए 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह किया गया। नेक्स्ट पॉइंट, दो से अधिक बच्चों के लिए यह अवधि 12 सप्ताह तक ही सीमित है, दो से अधिक बच्चों के लिए यह अवधि 12 सप्ताह तक ही सीमित है। नेक्स्ट पॉइंट है, गोद लेने वाली माताओं के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ निर्धारित है, गोद लेने वाली माताओं के लिए 12 सप्ताह का मातृत्व लाभ निर्धारित है। नेक्स्ट पॉइंट, 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में 50 से अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में क्रेच का प्रावधान किया गया है, क्रेच का प्रावधान किया गया है। क्रेच क्या होता है? यहाँ पे अगर आप लोग गए होंगे आपके कलेक्ट्रेट में, वहां पर देखा होगा, कलेक्ट्रेट गए, यहाँ पे जो कलेक्ट्रेट है वहां पे गए कभी? वहां पे एक क्रेच बना हुआ है बच्चों के खेलने के लिए, जो भी कोई ऐसे कर्मचारी हैं जिनके छोटे बच्चे हैं वो उन बच्चों को अपने साथ ऑफिस में लाकर रख सकते हैं और उनके खेलने और बाकी चीजों की व्यवस्था उसी क्रेच में होगी। ठीक है, क्रेच का मतलब यह है कि कोई ऐसे मदर, कोई ऐसे माताएं जो कि अपने छोटे बच्चों को घर पे नहीं छोड़ सकते, वो उनको ऑफिस लेकर के आए
और ऑफिस में ही उनके खेलने कूदने या फिर उनके अदर एक्टिविटीज की व्यवस्था की जाए। ठीक, तो क्रेच का प्रावधान किया गया 2017 में। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी होने के लिए, इस अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी होने के लिए महिला को भारत का नागरिक, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। साथ ही पिछले 12 माह में 80 दिन के लिए, पिछले 12 माह में 80 दिन के अवधि के लिए कार्य किया हो। ठीक है, ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविजन जिसको कि पूछा जा सकता है कि 12 सप्ताह से बढ़ाकर कितना किया गया है, तो कितना किया गया है, 26 सप्ताह। पहले 12 सप्ताह था, उसके बाद 2017 में इसको 26 सप्ताह किया गया है। इसके बाद में नेक्स्ट कानून या नेक्स्ट लॉ है, उसके बारे में देखिएगा। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, मजदूरी भुगतान अधिनियम, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936। मजदूरी भुगतान अधिनियम 1936, ठीक, इसमें फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, असंगठित क्षेत्रों में कार्य करने वाले मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा दिलाने के लिए यह अधिनियम अस्तित्व में आया। नेक्स्ट पॉइंट, यह कानून सुनिश्चित करता है कि सबसे पहला पॉइंट है इसमें, समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाए। नेक्स्ट, यह कानून सुनिश्चित करता है कि, उसमें पहला पॉइंट था समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाए, दूसरा है सही राशि का भुगतान किया जाए,
नेक्स्ट इसी में केवल केवल वैध कटौतियां की जाए, केवल वैध कटौतियां की जाए, नेक्स्ट है भुगतान की प्रक्रिया नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित किया जाए। यह कानून सुनिश्चित करता है कि सबसे पहले था समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाए, फिर समय सही राशि का भुगतान किया जाए, उसके अलावा केवल वैध कटौतियां की जाए, और इसके अलावा है भुगतान की पूरी प्रक्रिया नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाए। नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक, ये जो चार पॉइंट लिखे थे हमने ये कानून सुनिश्चित करता है उस पॉइंट के अंतर्गत था। उसके बाद में एक नेक्स्ट पॉइंट है, यह अधिनियम उन सभी संस्थानों पर लागू होता है, यह अधिनियम उन सभी संस्थानों पर लागू होता है जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी जहां 20 या इससे अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। नेक्स्ट पॉइंट, मजदूरी भुगतान कानून की परिभाषा में मजदूरी का अर्थ मजदूरी भुगतान कानून की परिभाषा में मजदूरी का अर्थ मूल मजदूरी तथा इसमें शामिल सभी मूल मजदूरी तथा इसमें शामिल सभी भत्ते एक्स्ट्रा जो अलाउंस मिलते हैं उनकी बात की जा रही है, मूल मजदूरी और इसमें शामिल सभी भत्ते हैं। इस परिभाषा के अनुसार मजदूरी का अर्थ मूल मजदूरी और इसमें शामिल सभी भत्ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, मजदूरी की अवधि दैनिक कौमा साप्ताहिक कौमा पाक्षिक, एक पक्ष होता है 15 दिन का, उसी को कहा जा रहा है पाक्षिक, पक्षी नहीं लिखेंगे ना, पाक्षिक है, प में आ की मात्रा, क्षत्रिय का अच्छा उसमें छोटा ही और क, पाक्षिक, दैनिक कौमा साप्ताहिक कौमा पाक्षिक या मासिक हो सकती है। मजदूरी की अवधि दैनिक साप्ताहिक पाक्षिक या मासिक हो सकती है किंतु किंतु यह निश्चित करके नोटिस पर लगाना जरूरी है किंतु यह निश्चित करके नोटिस पर लगाना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस कानून के अनुसार सभी भुगतान वैध करेंसी, इस समय जो भी लीगल टेंडर है उसमें होने चाहिए, इस सारे भुगतान वैध करेंसी में होने चाहिए ना कि वस्तुओं के रूप में, वैध करेंसी में होने चाहिए ना कि वस्तुओं के रूप में।
नेक्स्ट पॉइंट, भुगतान नगद या चेक के द्वारा किया जा सकता है। भुगतान नगद या चेक के द्वारा किया जा सकता है। भुगतान नगद या चेक के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कार्य दिवस के दिन ही भुगतान किया जाना चाहिए। कार्य दिवस वीकली वीकडेज, कार्य दिवस के दिन ही भुगतान किया जाना चाहिए तथा कार्यालय समय पर ही भुगतान किया जाना चाहिए। कोई ऑफिस है, कोई उद्योग है जो कि हफ्ते में अगर 6 दिन काम करता है तो उस 6 दिनों में ही मंडे से सैटरडे के बीच और उनके जो वर्किंग आवर्स हैं, सपोज 10 बजे से शाम 5 बजे तक, तो उस वर्किंग आवर्स के बीच में ही भुगतान किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त होने पर, किसी कर्मचारी की सेवा समाप्त होने पर 48 घंटे के भीतर, 48 घंटे के भीतर उसका भुगतान हो जाना चाहिए। 48 घंटे के भीतर उसका भुगतान हो जाना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे क्षेत्र जहां 1,000 से कम, 1,000 से कम कर्मचारी हैं, ऐसे क्षेत्र जहां 1,000 से कम कर्मचारी हैं, वहां वेतन का भुगतान वेतन अवधि की समाप्ति के 7 दिन के भीतर करना होगा। वेतन अवधि की समाप्ति के 7 दिन के भीतर करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1,000 से अधिक कर्मचारी वाले क्षेत्रों में, 1,000 से अधिक कर्मचारी वाले क्षेत्रों में वेतन का भुगतान वेतन अवधि की समाप्ति के 10 दिन के भीतर करना होगा। वेतन अवधि की समाप्ति के 10 दिन के भीतर करना होगा। वेतन अवधि का मतलब क्या है? वेतन अवधि का मतलब क्या है? पीछे आपने नोट किया है, वेतन अवधि में किसको शामिल किया गया है? कोई ऐसा फिक्स ड्यूरेशन जिस पर वेतन दिया जाएगा, चाहे 1 हफ्ता हो, चाहे 15 दिन हो, या दैनिक हो, या फिर मंथली हो। यह ड्यूरेशन कंप्लीट होने के इस कंडीशन के अनुसार 7 दिन और सेकंड कंडीशन के अनुसार 10 दिन के भीतर भुगतान किया जाना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट है, इस कानून की धारा 7 में लागू कटौतियां की जा सकती है। इस कानून की धारा 7 में लागू कटौतियां की जा सकती है। जैसे जैसे
जुर्माना, जुर्माना कॉमा काम से अनुपस्थिति, काम से अनुपस्थिति कॉमा आयकर, आयकर कॉमा बीमा प्रीमियम इत्यादि, आयकर कॉमा बीमा प्रीमियम इत्यादि। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है जुर्माने की वसूली, जुर्माने की वसूली से संबंधित नोटिस, जुर्माने की वसूली से संबंधित नोटिस स्थानीय भाषा में लगाना जरूरी है। जुर्माने की वसूली से संबंधित नोटिस स्थानीय भाषा में लगाना जरूरी है। नेक्स्ट, जुर्माने के रूप में वेतन का, जुर्माने के रूप में वेतन का अधिकतम 30% तीस प्रतिशत वसूल किया जा सकता है, अधिकतम 30% वसूल किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है यह वसूली 60 दिन के भीतर करना जरूरी है। जो गलती हुई है, जो पनिशमेंट जिस दिन से लागू है या जो जिस डेट पे उन्होंने कोई मिस्टेक किया है उस डेट से 60 दिन के भीतर ये वसूली की जा सकती है। ठीक, यह वसूली 60 दिन के भीतर करना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है जुर्माने से प्राप्त राशि, जुर्माने से प्राप्त राशि स्टाफ बेनिफिट फंड में यहां पे लिखा हुआ है स्टाफ बेनिफिट फंड, जुर्माने से प्राप्त राशि स्टाफ बेनिफिट फंड में जमा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है दस या अधिक कर्मचारी एक योजना के अनुसार कार्य से अनुपस्थित रहें या उपस्थित होने के बावजूद काम न करें, उपस्थित होने के बावजूद काम न करें। ऐसी स्थिति में अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में, अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में वेतन से कटौती की जा सकती है,
अनुपस्थिति की अवधि के अनुपात में वेतन से कटौती की जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट, दंड के रूप में अधिकतम 8 गुना तक दंड के रूप में अधिकतम 8 गुना तक वसूल किया जा सकता है। दंड के रूप में अधिकतम 8 गुना तक वसूल किया जा सकता है। यदि कर्मचारियों ने एक दिन की छुट्टी मारी है या फिर बिना बताए एक दिन उन्होंने एब्सेंट किया है, तो उनका एक दिन का जो वेतन है उसके साथ में दंड के रूप में उनसे मैक्सिमम 8 दिन का एक्स्ट्रा उनका सैलरी काटा जा सकता है। अगर कंपनी चाहे तो एक दिन के अलावा 1 दिन प्लस 2 दिन या मैक्सिमम 8 दिन का एक्स्ट्रा सैलरी काट सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ऐसे नियमों का पालन करने के लिए जरूरी है कि एक माह पहले सभी नियम नोटिस बोर्ड पर लगाए जाएं। एक माह पहले सभी नियम नोटिस बोर्ड पर लगाए जाएं। जो कि अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में होगा। जो कि अंग्रेजी, हिंदी और स्थानीय भाषा में होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, मजदूरी के भुगतान में देरी और गलत कटौतियां की गई हों तो नियोक्ता को हर्जाना देना पड़ेगा, जो कि गलत कटौती के 10 गुने तक हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं शामिल है। इस अधिनियम में कुल 20 धाराएं शामिल हैं। जिसमें से कुछ प्रमुख डैश करके कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं, उसको बस नोट करते चलिएगा। सबसे पहले है धारा 5। टोटल इसमें 20 धाराएं हैं, उसमें से धारा 5 में
डैश करके लिखिएगा, धारा 5 में मजदूरी के संदाय का समय, धारा 5 में क्या शामिल है? तो मजदूरी के संदाय का समय डेली है, वीकली है, या आपका पाक्षिक है, या मंथली है, ये बताया गया धारा 5 में, मजदूरी के संदाय का समय। नेक्स्ट 8, धारा 8, एट धारा 8 में जुर्माने से संबंधित प्रावधान, धारा 8 में जुर्माने से संबंधित प्रावधान। नेक्स्ट 14, धारा 14 में है निरीक्षकों की व्यवस्था, धारा 14 में है निरीक्षकों की व्यवस्था। उसके बाद में है धारा 17, धारा 17 में है अपील, कोई भी पक्ष यदि सेटिस्फाई नहीं है तो अपील कर सकता है, उससे संबंधित सभी प्रावधान धारा 17 में दिया गया है। ठीक है, इसमें कुछ प्रमुख जो धाराएं थी उसमें है, सबसे पहला 5वां, 8वां, 14वां और 17वां। अच्छा, टोटल जो धाराएं थी वो आपने लिखा है 20, उसको 26 कर दीजिए, इसमें कुल जो धाराएं हैं वो 26 हैं। इसके अलावा इसमें जो हमने नोट किया है वो 4 धाराएं इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये 4 धाराएं जो आपने नोट किया वो इंपॉर्टेंट है, बस एक करेक्शन कर लीजिएगा, इसमें जो टोटल है वो 20 नहीं है, वो टोटल 26 है। ठीक है, तो वेतन या मजदूरी भुगतान अधिनियम के अंदर ये कुछ प्रमुख प्रावधान थे। यहां तक की चीजें आप रिवाइज करिएगा, कल इसको एक बार शुरू से, जो डे 1 से हमने शुरू किया था वहां से यहां तक की चीजें हम एक बार रिवाइज करेंगे, और उसके बाद में आपका कल हम लगभग टॉपिक 4 और टॉपिक 3 खत्म कर लेंगे। टॉपिक 4 में कुछ प्रमुख कानून बचे हुए हैं, उसके अलावा आपका टॉपिक 3 में महिला और बच्चों से संबंधित का प्रावधान बचे हुए हैं, और उसके बाद में एक दिन हमको लगेगा प्रमुख योजनाओं से संबंधित, छत्तीसगढ़ सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं मजदूरों और श्रमिकों के बारे में, उनसे संबंधित प्रावधान एक दिन में हम जो संबंधित आपके स्कीम्स हैं वो एक दिन में हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट 2 क्लास में ये चीजें हम खत्म कर लेंगे। ठीक, चलिए आज